केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का यह भी कहना है कि सरकार किसानों के मुद्दों पर सजग है और दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकाले। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है किसान संगठन उनको समझना पड़ेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं, तो ये किस तरह का आश्वासन है और किस तरह की बैठक है और किस तरह की नीयत है सरकार की? आपने दो साल आपको मिले, उस दो साल में आप समझे नहीं किसानों को क्या चाहिए और खुद प्रधानमंत्री के मुंह से जो वचन निकला हो उस वचन को तोड़ना क्या ये राजधर्म है? भाई कौन किसान नेता क्या कह रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। किसानों की जायज मांग है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के खिलाफ हैं, उससे कोई मतलब नहीं। भले उनके नाम के आगे संघ हो उससे कोई मतलब नहीं। आज किसानों की एक मांग है, जायज मांग है, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं और जो भी इस देश का नागरिक किसानों की चिंता जिसके मन में है, जिसका जिसके हाथ का अनाज हम सब खाते हैं, उसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। तो सरकार की बात आपने सुनी, विपक्ष की बात आपने सुनी, लेकिन इन सबके बीच चिंता की स्थिति इसलिए है क्योंकि लगातार उपद्रव बढ़ता जा रहा है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है किसानों को वहां पर रोक कर रखना, क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है किसानों की और किसी भी हालत में यहां से ये बॉर्डर पार करना चाहते हैं किसान ताकि वो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच सकें।